हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 11 का वर्ड मीनिंग और चैप्टर 11 स्टडी किया था। अगर आप लोगों ने उस क्लास को मिस कर दिया है, ऊपर दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए और उस क्लास को फिर से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने देखा भी है और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर भी आप दोबारा देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे लेट्स एक्सेस। ए में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में द लायन लिव्ड इन अ, लायन कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में रहता, तो आप लोग फॉरेस्ट लिखिएगा। सेकेंड में द लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, लायन एक ट्री के नीचे सो रहा था। थर्ड में द लायन कॉट द मॉस इन हिज, लायन मॉस को अपने पंजे में पकड़ता है, तो आप लोग लिखिएगा पाज। फोर्थ में द लायन सेड आई नो दैट लिटिल थिंग्स ऑल्सो हैज अ ग्रेट वैल्यू, लायन बोलता है कि छोटे छोटे चीज का भी बहुत वैल्यू होता है, अब मैं समझ गया। बी में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बॉक्स, हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है खाली स्थान को ऊपर दिए गए हिंट बॉक्स। फर्स्ट में देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, एक लायन रहता था एक फॉरेस्ट में। सेकंड में आर डिस्टर्ब द लायन स्लीप, हु डिस्टर्ब मॉस, और मॉस डिस्टर्ब द लायन स्लीप, एक चूहा लायन के स्लीप को डिस्टर्ब करता है। थर्ड में द लायन वाज कॉट इन अ हंटर्स नेट, लायन एक हंटर्स के नेट में पकड़ा जाता है। द मॉस कट द नेट विद हिज शार्प टीथ, मॉस नेट को कट कर देता है अपने सात टीप से। सी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में वेयर वाज द लायन एस्लीप, लायन कहाँ सो रहा था, गहरी नींद में कहाँ सो रहा था। द लायन वाज एस्लीप अंडर अ ट्री, लायन एक ट्री के नीचे सो रहा था। हु वोक अप द लायन, लायन को कौन जगाता था, द मॉस वोक अप द लायन। थर्ड में व्हाट डिड द मॉस प्रॉमिस टू द लायन, मॉस लायन से क्या प्रॉमिस करता है। द मॉस प्रॉमिस टू द लायन दैट आई नेवर मेक सच मिस्टेक अगेन, मॉस लायन से प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। व्हाई डिड द लायन थैंक द मॉस, लायन मॉस को थैंक क्यों करता है। द लायन थैंक द मॉस फॉर हेल्पिंग, लायन मॉस को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है। वर्ड वाइज डी में मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, हम लोग को नीचे दिए गए जितने वर्ड्स है उससे सेंटेंस फॉर्म करना है। फर्स्ट में एंग्री, द लायन बिकेम वेरी एंग्री, लायन बहुत गुस्सा हो गया था। सेकेंड में मिस्टेक, मिस्टेक कैन हैपन एनी टाइम, गलती कभी भी हो सकती है। थर्ड में फॉरगिव, वी शुड ऑलवेज फॉरगिव टू अदर्स, हम लोग को हमेशा दूसरे को माफ कर देना चाहिए। फोर्थ में शार्प, द मॉस हैज शार्प टीथ, मॉस के पास शार्प टीथ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रामर टाइम, इफ वी एड एस टू पेन इट बिकम पेन्स, इट मीन्स मोर देन वन, पेन का मतलब होता है एक कलम और पेन्स का मतलब होता है दो या उससे ज्यादा कलम। जब भी हम लोग एक पेन का यूज करते हैं तो हम लोग पी एन लिखते हैं और एक से ज्यादा के लिए हम लोग पी एन एस लगा देते हैं लास्ट में एस, तो वही हम लोग आज देखेंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल के रिलेटेड है। ई में एड एस टू गिवन वर्ड्स, हम लोग को एस लगाना है नीचे दिए गए वर्ड्स में। फर्स्ट में गर्ल, गर्ल का हम लोग लिखेंगे गर्ल्स। सेकेंड में नेस्ट, नेस्ट। थर्ड में कोट, goats, fourth में goat, goats, fifth में cow, cows, and sixth में hat, hats. अब हम लोग बी क्रिएटिव में आते हैं। बी क्रिएटिव में फर्स्ट लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस हाउ लिटिल थिंग्स हैव ग्रेट वैल्यू, हम लोग को नीचे दिए गए पिक्चर को देखना है और बताना है छोटे से चीज में कितना वैल्यू होता है। तो ये एक स्टोरी, आप लोग पिक्चर देख के समझ पा रहे होंगे, ये स्टोरी है एक एंट और एक एलिफेंट का। चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्टोरी। द एलिफेंट एंड द रैट,
वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लार्ज एलिफेंट इन द जंगल। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा एलिफेंट एक जंगल में रहता था। इट वॉज मैग्निफिसियंट एंड वेरी एरोगेंट। यह बहुत ही विशाल और एरोगेंट था। देयर ऑल्सो लिव्ड अ स्मॉल एंट इन द जंगल। वहां एक छोटी सी चींटी भी रहती थी। हु वॉज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वो पूरी तरह डिटर्मिनेशन और अपने खुद का रिस्पेक्ट में रहती थी। मतलब उसका जो एम था, गोल था, उसी के टुवर्ड्स हमेशा चलते रहती थी और अपना जो भी रिस्पेक्ट होता है उसको रखती थी। वन डे द एलिफेंट वॉज अबाउट टू स्टेप ऑन द एंट। एक दिन एलिफेंट चींटी पे पैर रखने ही वाला था। द एंट शॉटेड, एंट चिल्लाती है, मिस्टर एलिफेंट प्लीज स्टॉप, डू नॉट क्रश मी टू डेथ। मिस्टर एलिफेंट प्लीज रुक जाओ और मुझे क्रश मत करो कि मैं मर जाऊं। द एलिफेंट वॉज एनॉयड एंड येल्ड ऑन द एंट। एलिफेंट एनॉय मतलब चिल्ला के बोलता है और चींटी पे कि हाउ डेयर यू कम इन माय वे, गेट लॉस्ट। बोलता क्या है एलिफेंट कि तुम मेरे रास्ता में क्यों आई हो, यहां से चली जाओ। द एंट वॉज वेरी अपसेट, सी वेंट होम क्राइंग। एंट बहुत ही दुखी हो जाती है और वो रोते रोते घर जाती है। द मदर एंट सेड व्हाट हैपेंड टू माय चाइल्ड। मेरे बच्चे क्या हुआ। लिटिल एंट टोल्ड एवरीथिंग। छोटी चींटी सब कुछ बताती है। मदर एंट गॉट वेरी एंग्री। मदर एंट की जो माँ है वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। द एलिफेंट मस्ट बी टॉट अ लेसन, शी सेड। चींटी की माँ बोलती है कि एलिफेंट को एक सबक सिखाना ही होगा। द मदर एंट फॉलोड द लिटिल एंट टू द प्लेस वेयर द एलिफेंट वाज रेस्टिंग। मदर एलिफेंट जो एंट थी उसको फॉलो करते हुए एंट उसको रास्ता बताती है जहां पर एलिफेंट सो रहा था, आराम कर रहा था। शी क्वाइटली क्लाइम्ड इनसाइड द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट एंड स्टार्टेड बाइटिंग। वो चुपचाप एलिफेंट के ट्रंक में घुस जाती है और उसको बाइट मतलब काटने लगती है। द एलिफेंट हॉलोड इन पेन। एलिफेंट बहुत दर्द से वो चिल्ला उठता है। हेल्प हेल्प, द मदर एंट स्कोल्डेड द एलिफेंट। एलिफेंट बोलता है हेल्प हेल्प, तो मदर एंट उसको एलिफेंट को डांटती है। डू यू नाउ रियलाइज हाउ इट फील्स टू बी हर्ट एंड ह्यूमिलेटेड। क्या तुम्हें अब पता चला कि कैसा लगता है जब किसी को हर्ट करते हैं और ह्यूमिलेट करते हैं। द एलिफेंट अपोलोजाइज, आई एम सॉरी मदर एंट, आई विल नेवर बी रूड टू स्मॉल क्रिएचर। एलिफेंट माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आई विल नेवर बी, मैं किसी के साथ दुष्व्यवहार नहीं करूंगा, रूड नहीं रहूंगा किसी के साथ, सबसे अच्छे से बात करूंगा। तो आप लोगों ने देखा एक बड़ी एक छोटी सी भी चींटी एक बड़े एलिफेंट को हिला के रख सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टू में। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट देयर क्वालिटीज, हाउ द एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग को पिक्चर नीचे दिए गए लायन और रैट माउस का देखना है और उसके क्वालिटीज को लिखना है कि वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। द लायन इज किंग ऑफ द लायन इज किंग ऑफ जंगल। लायन जंगल का राजा है। द माउस इज स्मॉल एनिमल। मॉस एक छोटी सी जानवर है। इट हैज लॉन्ग शार्प टीथ। इसके पास बड़ा और नुकीला टीथ है। द मॉस हैज स्मॉल शार्प टीथ। मॉस के पास स्मॉल शार्प टीथ है। इट लिव्स इन डेन। ये गुफा में रहती है। इट लिव्स इन हाउस होल। ये छेद होल में रहती है। द साउंड ऑफ लायन इज रोर। लायन के
आवाज को हम लोग रोल कहते हैं एंड द साउंड ऑफ मॉस इज स्क्वीक, और मॉस की आवाज को हम लोग स्क्वीक कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बुक में राइट कर लीजिएगा और फेयर भी कर लीजिएगा। आप लोग अगर कहीं भी गलत है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।